हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स रिगार्डिंग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स एंड टेनिस कोर्ट्स, जिनको याद करने में कभी कभार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टूर्नामेंट पहले होता है और कौन सा टूर्नामेंट बाद में होता है और कौन कौन से टेनिस कोर्ट्स पे ये खेला जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे रिजल्ट्स 2017 जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद देखेंगे रिसेंटली जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 में जनवरी में हुआ है उसका रिजल्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इनको याद कैसे रखना है कि कौन सा टूर्नामेंट पहले और कौन सा टूर्नामेंट बाद में होता है। तो हमें वर्ल्ड मैप एक बार याद करना है, तो वर्ल्ड मैप के सबसे राइट साइड में आना है। राइट साइड में हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, तो सबसे पहला जो ओपन है दैट इज ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि जनवरी में यानी कि रिसेंटली हुआ है। तो सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। उसके बाद हम लेफ्ट में जाएंगे तो जहां नंबर 2 लिखा है उसके राइट साइड में है फ्रांस, और सेकंड जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का वो होता है फ्रेंच ओपन, जो इसके ठीक 3 महीने बाद होता है, जो मई से जून तक चलता है। दैट इज सेकंड इज फ्रांस ओपन, फ्रेंच ओपन। और थर्ड हम देखेंगे कि फ्रांस के ऊपर दैट इज यूके, तो यहाँ पे होता है थर्ड, वो है विम्बलडन, जो इसके कंटिन्यूटी में होता है जून से जुलाई में, तो विम्बलडन। और फोर्थ जो लास्ट टूर्नामेंट है वो हम सबसे लेफ्ट में जाएंगे, वो होता है यूएस ओपन, जो कि अगस्त से सितंबर तक होता है। तो हमें चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के नाम याद हो गए। अब राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन, चारों हो गए। और आइए देखते हैं इस स्लाइड में कि टूर्नामेंट्स इसी सीरीज में है कि नहीं, और इनके मंथ्स जो सामने दिए हैं कौन कौन सी सिटी में ये होते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनके सरफेस के बारे में कि कौन से सरफेस पे ये खेले जाते हैं, और इनका एस्टेब्लिश जो ईयर है वो कौन सा है, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेनिस कोर्ट, कौन कौन से कोर्ट्स पे ये खेले जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस पिक्चर से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट और जो लास्ट है यानी कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन और लास्ट इज यूएस ओपन, दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। और सेकंड जो हमारा फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, दैट इज रेड कोर्ट ऑल्सो। एंड थर्ड जो विम्बलडन है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस तरह से हम चारों कोर्ट्स के नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम 2017 जो है उनके रिजल्ट्स, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं विम्बलडन, जो कि हमने देखा था कि थर्ड नंबर का है, साल का तीसरा टूर्नामेंट है। उसके रिजल्ट्स में फेडरर है स्विट्जरलैंड से, और 2017 के जो विनर है दैट इज राफेल नडाल स्पेन के, मैन सिंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी रिजल्ट्स भी आप वीडियो पॉज करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आइए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 और फ्रेंच ओपन के रिजल्ट्स भी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फेडरर और नडाल सेम है, स्विट्जरलैंड और स्पेन के प्लेयर हैं। और अभी हम देखेंगे कि ये लिस्ट है इंडियन टेनिस प्लेयर्स की, आप इनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी देखते हैं 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन के रिजल्ट्स जो रिसेंटली हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट ईयर भी रोजर फेडरर चैंपियन बने थे ऑस्ट्रेलिया ओपन के, और इस साल भी ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो चैंपियन है वो रोजर फेडरर ही है। और बाकी रिजल्ट्स भी आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन के। और अभी हम देखेंगे एक एमसीक्यू जो आप करने में सक्षम होंगे अभी, क्योंकि आपने सीख लिया है बेसिकली कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेशन में दीजिए। थैंक यू फॉर डिस्कशन विद मी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।